तो कैसे हैं आप सब? चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एसिड और बेस। एसिड और बेस के बारे में हमने जाना था। इस क्लास में हम साल्ट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? साल्ट के बारे में। साल्ट को इंग्लिश में साल्टी कहते हैं, ऑब्वियसली। इसको हिंदी में बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। लवण मतलब आप लोकल लैंग्वेज में इसको नमक बोलते हो, नमक। ठीक है बच्चों, नमक। तो साल्ट किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ पाएंगे। द सब्सटेंस विच आर साल्टी इन टेस्ट आर कॉल्ड साल्ट। द सब्सटेंस, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, साल्टी। साल्टी का मतलब होता है नमकीन। क्या होता है बच्चों? नमकीन। नाम मैं साइड में लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आए। साल्टी, नमकीन। जिनका स्वाद कैसा होता है? नमकीन होता है, उनको हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं। तो साल्ट की प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश करते हैं कि साल्ट क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने साल्ट को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, आई होप आप देख पा रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। तो साल्ट का फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट गुण है, तो इसके डेफिनेशन से ही क्लियर होता है बच्चों कि साल्टी, साल्टी का मतलब होता है नमकीन। क्या नमकीन? उसका टेस्ट। तो पहला हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, पहला इसका गुण हो गया, फीचर्स हो गया। साल्ट इज टेस्ट इन साल्टी। लवण है वो स्वाद में नमकीन होता है। साल्ट इज टेस्ट इन साल्टी मींस जो साल्ट है, लवण है, वो स्वाद में नमकीन होता है। जो भी वस्तु नमकीन है आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? साल्ट। और उसका हम टेस्ट मालूम कैसे करेंगे? या तो आप उसको टच करके, अपने टंग से, जीभ से छू करके पता करेंगे, या फिर एक मार्केट में पीएच स्केल आती है उससे आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। साल्ट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन वाटर। हमने एसिड बेस में पढ़ा था। एसिड हमने क्या पढ़ा था? एसिड। एसिड में हमने पढ़ा था कि एसिड होता है वो H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन या वाटर। बेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बेस होता है वो OH- माइनस आयन, यानी OH नेगेटिव आयन देता है। बट जो साल्ट होता है, लवण होता है, वो वाटर के अंदर, पानी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है। मींस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्लेरिफाई कर देता हूँ। जैसे कि देखिए बच्चों, हमने एक एग्जांपल लिया NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो नॉर्मल आप नमक बोलते हो, खाने के काम लेते हो। अगर हम इसको पानी में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? पानी में, जल में घोलते हैं, तो ये किस में टूटता है? Na प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि आप कह सकते हो कि जो साल्ट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाता है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ पाएंगे कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा। साल्ट पीएच स्केल इज 7। जब हम इंडिकेटर्स पढ़ेंगे तो हम उसमें एक पीएच स्केल पढ़ेंगे कि व्हाट इज पीएच स्केल। ये मार्केट में अवेलेबल होती है, हमारी लेबोरेटरी में अवेलेबल होती है। पीएच स्केल ये मेजरमेंट करती है, मापती है। किसको मापती है? एसिड को, बेस को और साल्ट को। एसिड, बेस, साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। इसका मेजरमेंट 1 to 14 होता है। हम नेक्स्ट क्लास में जब इंडिकेटर्स रीड करेंगे, लर्न करेंगे, तब इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो साल्ट पीएच स्केल इज 7। आपको अभी इस क्लास में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो साल्ट होता है, लवण होता है, उसका पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। आपको क्या याद रखना है कि साल्ट का पीएच का मान 7 होता है, 7 होता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आया होगा थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। साल्ट डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। मेटल का मतलब आप समझते हैं धातु। रिएक्ट का मतलब अभिक्रिया करना, उसके साथ में क्रिया करना। डू नॉट यानी नहीं करता है, साल्ट यानी कि लवण। तो कहने का तात्पर्य मतलब है, ये हमें सेंटेंस बता रहा है
कि साल्ट डू नॉट रिएक्ट विद मेटल, जो साल्ट होता है वो धातु के साथ में क्रिया नहीं करता है। और एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ा था कि एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, H2 गैस प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही जो हमारा OH जिसमें बेस में था, बेस भी क्रिया करके क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन साल्ट है वो धातु के साथ में क्रिया नहीं करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। इसका लास्ट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, साल्ट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, व्हाट इज लिटमस पेपर? यू नो दैट द हायर क्लास लिटमस पेपर, ये भी हम इंडिकेटर्स में पढ़ेंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको मार्केट में लिटमस पेपर मार्केट में अवेलेबल होता है, केमिस्ट जो रसायन विज्ञान की शॉप होती है, केमिस्ट शॉप होती है, वहाँ पे अवेलेबल होता है, और स्कूल में अपने लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। लिटमस पेपर को आपको दो कलर में मिलते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। एक तो आपको नॉर्मली नीला मिलेगा, ठीक है, एक आपको लाल मिलेगा, क्लियर, ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर होता है। जब हम इसको साल्ट में, बेस में और एसिड में डिप करते हैं, डबोते हैं, इसको टच में लाते हैं, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? कलर चेंज। बट साल्ट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। जब हम साल्ट में इसको डिप करेंगे या साल्ट को इसके संपर्क में, टच में लाएंगे, तो इसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स इनका कलर चेंज नहीं होगा। यही हमने देखने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है कि साल्ट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, छोटे से थोड़े से एग्जाम्पल है। NaCl जिसको आप नमक बोलते हो, खाने में हम काम में लेते हैं, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालते हैं ना, सफ़ेद कलर वाला, ब्लैक कलर में भी आता है नमक, लेकिन हम मोस्टली यूज करते हैं वाइट कलर साल्ट जिसमें आयोडीन होती है। आपको कहते हो कि अच्छा साल्ट खाना चाहिए हमें, आयोडीन मिलेगी। NaCl इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्लियर स्टूडेंट, इसका पूरा नाम है सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी साल्ट का एग्जाम्पल है। कैल्शियम क्लोराइड ये भी साल्ट का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो CO3 ग्रुप है इसको कार्बोनेट बोलते हैं, और कैल्शियम इससे पहले है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट, इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, ये भी साल्ट की कैटेगरी में आता है। सोप जो आप साबुन काम में लेते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा, अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है जो हम खाने में काम में लेते हैं, सफ़ेद कलर का आता है, ठीक है। आपने घर पे कभी समोसे पकौड़ी बनाए होंगे ना, तो उसमें डालते हैं, मम्मी को पूछना कि मम्मी सोडा, मीठा सोडा क्या होता है, इसको मीठा सोडा भी कहते हैं जो खाने के काम में लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। साल्ट, इसको हिंदी में हम लवण बोलते हैं, इसका डेफिनेशन होता है द सब्सटेंस विच आर साल्टी इन टेस्ट आर कोल्ड साल्ट, जो स्वाद में नमकीन होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होते हैं, वे वस्तुएं जो स्वाद में नमकीन होती है उन्हें हम लवण कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट के क्या गुण हैं? फर्स्ट था साल्ट इज टेस्ट इन साल्टी, जो साल्ट होता है वो स्वाद में नमकीन होता है। दूसरा था साल्ट गिव्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन वाटर, ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देते हैं जल के अंदर, यानी कि ये एक प्लस में टूटेंगे, एक माइनस में टूटेंगे, जैसा भी आप साल्ट लोगे वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, एक नेगेटिव आयन बनाएगा, क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अगला है साल्ट पीएच स्केल इज 7, साल्ट का जो पीएच स्केल है उसका मेजरमेंट होता है 7, यानी कि जिसका 7 माप होता है उसको आप नमकीन बोलते हो, यानी कि नमकीन मतलब वो क्या है, लवण है, क्लियर। साल्ट डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल, साल्ट है वो धातु के साथ में क्रिया नहीं करता, क्या नहीं करता, क्रिया नहीं करता, इसलिए हम साल्ट को मेटल से बने हुए बॉक्सेस में डाल सकते हैं, डब्बों में डाल सकते हैं, आप घर पे भी देखते हो। साल्ट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, जो साल्ट होता है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता, यानी कि उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, ये भी हम साल्ट की कैटेगरी में लेते हैं, यानी कि साल्ट ही है। सोप, ये जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको साल्ट पढ़ना पड़ेगा, सॉरी सोप पढ़ना, साल्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि ये पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे बनाया जाता है, सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, ये आपको हायर क्लास में देखने को मिलेगा। अभी आप इतना याद रखिए कि सोप साल्ट के एग्जांपल्स में हम इंक्लूड करते हैं इसको, बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है, NaCO3। तो आई होप इस क्लास में आप साल्ट के बारे में जान पाए होंगे कि साल्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स, क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंडिकेटर्स, सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे सूचक होते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे, नॉलेज करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, एंजॉय।